कि वो आदिवासी या यूं कहो कि भील जाति के थे, और भील जाति के वो एकलव्य जो धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, गए द्रोण के आश्रम में, लेकिन प्रवेश नहीं मिला। जब एकलव्य को गुरु के आश्रम में प्रवेश नहीं दिया गया तो जंगल में गए और पेड़ के नीचे द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के बैठ गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आप सर्वसमर्थ हो, हमें धनुर्विद्या सिखाओ। श्रद्धा भक्ति के साथ मूर्ति का पूजन सेवन करते हुए वो लग गए और कथा कहती है कि गुरु की हाथ से बनाई हुई मिट्टी की मूर्ति एकलव्य को सिखा रही है और धीरे धीरे वो धनुर्विद्या सीखने में पारंगत होते गए। एक दिन की बात है, कुत्ता भौंक रहा था। कुत्ते के भौंकने का आवाज एकलव्य को विक्षेप कर रहा था, विघ्न डाल रहा था। उन्होंने छोटी छोटी बिना धार की, जैसे फसल होता है गेहूं की समझ लो अथवा मक्के की डंडी समझ लो, ऐसी तोड़ी और इस ढंग से चलाई कि कुत्ते का मुंह में चली जाए और उसको खून भी ना निकले और भौंकना भी बंद हो जाए, वो मरे भी नहीं। इस प्रकार बहुत सारी छोटी छोटी डंडियां कुत्ते के मुंह में ठूसी हुई और वो कुत्ता जब द्रोणाचार्य के आश्रम से गुजरा तो पांच पांडव और जो दूसरे बच्चे थे वो देख के आश्चर्यचकित हो गए उस कुत्ते को देखकर। पांच पांडव और अन्य जो गुरुकुल में विद्यार्थी थे वो आश्चर्य के सागर में गोते खाने लगे। गुरुजी के पास गए, गुरुजी गुरुजी देखो ये कुत्ता और इसके मुंह में किस प्रकार ये छोटी छोटी डंडियां, हाथ से तो कैसे ठूसी जाएगी, ये छोटी छोटी डंडियां किसी ने बाण से ही, इसी को बाण बना के धनुष से ही ठोकी। अर्जुन देख के आवाक, गुरुजी आपने कहा था कि मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनूंगा, लेकिन मेरे से भी आगे का धनुर्धारी इस दुनिया में है, उसका साक्षात प्रमाण तो मुझे इस कुत्ते को देख के मिल रहा। गुरुजी भी आश्चर्यचकित, वो सतगुरु नहीं थे, धनुर्विद्या के गुरु थे। गए जंगल में, देखा पेड़ के नीचे मिट्टी की एक मूर्ति और वो भील लड़का, वो द्रोणाचार्य को देख के दंडवत प्रणाम किया। अरे वो कुत्ते के मुंह में तुमने डंडियां? बोले जी गुरुदेव, आप तो सब जानते हो, किसने सिखाया? बोले आपने सिखाया। बोले मैंने तो सिखाया नहीं। बोले गुरुदेव, एक आपका ये चेतन शरीर और एक आपका श्री विग्रह मूर्ति रूप शरीर, आप ही ने सिखाया। कथा कहती है दे दो दक्षिणा। बोले आज्ञा करो। दाएं हाथ का अंगूठा दे दोगे? उठाया चाकू और धर दिया।
उठाया चाकू, अंगूठा काट के गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया। धनुर्विद्या में तो अर्जुन का नाम आया, लेकिन अर्जुन से भी आगे अगर कोई निकला तो वो एकलव्य निकला। सीधा गुरु ने नहीं, लेकिन गुरु की मूर्ति ने सिखाया। मानना पड़ेगा कि श्रद्धा ही चमत्कार कर सकती है, कृपा का आकर्षण कर सकती है और सफलता देती है।